क्या आप भी गूगल पर खोजते हैं मन की बात? अगर करते हैं गूगल का इस्तेमाल तो मत जाइए बिना देखे ये खबर। सिर्फ एक सर्च और 8.25 लाख खाते से हो गया फुर। दंपति को इससे बड़ा धोखा आज तक किसी ने नहीं दिया। किसने सोचा गूगल पर सर्च करते ही हो जाएगा खाता खाली, बाद में पछताएं, उससे पहले चेत जाइए। जानबूझकर नहीं होती है किसी से गलती, कहीं अनजाने में आप भी ना हो जाएं शिकार। साइबर ठग और जालसाजों से कब आपका सामना हो जाए इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। जालसाजों से सामना कुछ ऐसा होता है जैसे मुंह में राम और बगल में छुरी। आपके सामने प्रिय व्यवहार करने वाला ही आपको झांसे में लेकर ठग जाता है। जालसाजी हर क्षेत्र में बढ़ गई है, चाहे इंटरनेट से की गई ठगी हो या पीठ पीछे दिया गया धोखा। धोखा तो धोखा होता है जिससे नुकसान भी बड़ा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ठगों के डर से इंटरनेट, गूगल और डिजिटल दुनिया से जुड़ना ही छोड़ दें। हमें जागरूक रहने की जरूरत है, यही कारण है ये खबर आपको दिखाई जा रही है, ताकि आप सचेत रहें और अनजाने में वो गलती ना कर बैठे जिस गलती का परिणाम आज अमरजीत सिंह और उनकी पत्नी भुगत रहे हैं। अमरजीत सिंह को कैसे गूगल के एक सर्च से ठगों ने जाल में फंसा लिया बता रहे हैं। ध्यान से देखिए खबर ताकि अमरजीत सिंह की गलती आप ना दोहराएं। दरअसल अमरजीत सिंह और उनकी पत्नी आईएफबी डिशवाशर के कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर सर्च कर रहे थे। उनकी पत्नी ने ऑनलाइन सर्च से 1800258821 नंबर निकाला जो आईएफबी कस्टमर केयर के नाम से गूगल पर मौजूद था। इस नंबर को देखकर पहली नजर में कोई भी कहेगा ये कस्टमर केयर का नंबर है। अक्सर कस्टमर केयर के नंबर 1800 से शुरू होते हैं, मगर इस भ्रम में नहीं फंसना है। अमरजीत सिंह की पत्नी भ्रमित हो गई और नंबर पर कॉल लगा दिया। कॉल एक महिला ने उठाया और उसने अपने सीनियर से कॉल कनेक्ट करने की बात कही। इसके बाद कथित सीनियर ऑफिसर ने उसकी पत्नी से फोन पर एनीडेक्स ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा और उनसे कुछ डिटेल मांगी। इसके बाद फ्रॉड ने महिला से 10 रुपए का ट्रांजैक्शन करने के लिए कहा जिससे कंप्लेन दर्ज हो सके। प्रोसेस के दौरान ठगों की कॉल कई बार कटी और वो पर्सनल नंबर से अमरजीत की पत्नी को लगातार कॉल करते रहे। इधर उनके मोबाइल में 2,25,000 रुपए के ट्रांजैक्शन का मैसेज आया। कुछ देर बाद खाते से दोबारा 5,99,000 रुपए निकाल लिए गए। आनन फानन में दंपति ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके खाते से 8,24,000 रुपए निकाले जा चुके थे। ठगों ने अमरजीत और उनकी पत्नी को अपना शिकार कैसे बनाया समझिए। एनीडेक्स जैसे ऐप आपके मोबाइल फोन का पूरा कंट्रोल ठगों को दे देता है, ये बहुत आसान होता है। ऐप में आए ओटीपी को दूसरे फोन में डायल करने पर दूर बैठकर भी आपके फोन को ठग चला सकते हैं। इसलिए जब कभी कोई भी आपको किसी ऐप को डाउनलोड करने को कहे तो ऐसा बिल्कुल ना करें, और ना ही किसी प्रकार के ओटीपी या नंबर जो कि आपको मैसेज के रूप में प्राप्त हुए हो उसे शेयर करें। सावधान रहें और तसल्ली से डिजिटल युग का आनंद लें।